नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि इकोनॉमिक्स एक्चुअली में होता क्या है। इकोनॉमिक्स जो है ये एक ग्रीक वर्ड जो है ओकोनोमस, उससे लिया गया है। ओकियोस का मतलब होता है हाउस होल्ड और नोमस का मतलब होता है टू मैनेजमेंट। यानी कि हम बात करें इकोनॉमिक्स की मीनिंग की, तो इकोनॉमिक्स जो है ये हाउस होल्ड के मैनेजमेंट से रिलेटेड जो है हमको स्टडी करवाता है। यानी कि उद्योग धंधों का जो प्रबंधन है उसको हम अर्थशास्त्र बोलते हैं। अब जान लेते हैं इनके फादर के बारे में, इनके जनक के बारे में अगर हम बात करें, तो इकोनॉमिक्स के जो जनक हैं वो उनको बोला जाता है एडम स्मिथ साहब जो है उनको बोला जाता है। इनके द्वारा जो है एक बुक लिखी गई थी, उस बुक का नाम था वेल्थ ऑफ नेशंस। ध्यान रखिएगा कि इनके द्वारा एक डेफिनेशन दी गई, बहुत प्यारा सा डेफिनेशन, बहुत ईजी सा डेफिनेशन है। उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र जो है वो धन का विज्ञान है, यानी कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ, यानी कि धन का विज्ञान जो है उसको हम अर्थशास्त्र बोलेंगे। ध्यान रखिएगा, डेफिनेशन आपको जो ध्यान में रखनी है वो है कि अर्थशास्त्र को हम किस तरह से बहुत इजी वे में डिफाइन कर सके। तो ये वाली जो डेफिनेशन है वो आपको अच्छे से अपने दिमाग में फिट करना है। अर्थशास्त्र जो है उसको आप किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं, तो इससे मेरे को लगता है कि ईजी जो डेफिनेशन है आपको कहीं नहीं मिलेगी। इकोनॉमिक्स इज द साइंस in which we study about human behavior as a relationship between ends and scarce means which have alternative uses। अगर हिंदी में बात करें इसको, तो अर्थशास्त्र वो विज्ञान है जिसके अंतर्गत मानव व्यवहार का अध्ययन जो है पारस्परिक संबंधित अंतिम एवं दुर्लभ संसाधनों के पारस्परिक संबंधों के रूप में किया जाता है। ध्यान रखिएगा कि अर्थशास्त्र जो है यानी कि फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स को अगर हम समझे, तो उससे पहले जो है बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। इसके डिविजन्स को जो है उसको समझना जरूरी है। तो ध्यान रखिएगा कि इसको, इसकी जो डिवीजन है उसको हम डिवाइड करेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच के आधार पर और मॉडर्न अप्रोच के आधार पर। अगर मैं ट्रेडिशनल अप्रोच की अगर हम बात करूँ, तो सब्जेक्ट मैटर आपको देखने को मिलेगा कंजप्शन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन और पब्लिक फाइनेंस। वही अगर मॉडर्न अप्रोच की बात करूँ, तो यहाँ पर आपको दो तरह से देखने को मिलेगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो आने वाले वीडियो के अंदर जो है हम डिटेल में इसके बारे में स्टडी करेंगे। अगर आपने एग्रीकल्चर डाइजेस्ट एप्लीकेशन को जो है डाउनलोड नहीं किया है, तो डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर आपके लिए जो है बहुत सारा स्टडी मटेरियल जो है वो ऑलरेडी अवेलेबल है। ध्यान रखिएगा कि वहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज मिलने वाली है, लेक्चर्स जो है, रिकॉर्डेड क्लासेज आपको मिलने वाली है, स्टडी मटेरियल जो है आपको मिलने वाले हैं। हिंदी इंग्लिश के अंदर जो है आपको नोट्स जो है वहाँ पर अवेलेबल रहेंगे। तो बने रहिए इसी तरह से इस चैनल के साथ में, और अगर पहली बार इस चैनल में विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। नमस्कार।